हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज। यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज में हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड्स के, और ये हमारा आज लेक्चर 9 होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाइल कंपेयरिंग हियरिंग एंड लिसनिंग वी कैन से डैट। देखिए, अगर हियरिंग की बात की जाए और लिसनिंग की, दोनों का मीन्स क्या होता है, सुनना होता है, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, हियरिंग क्या है, इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड लिसनिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। हियरिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, और लिसनिंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सेकेंड ऑप्शन है, हियरिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लिसनिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। बोथ आर मेनली फिजिकल प्रोसेस, क्या दोनों फिजिकल प्रोसेस हैं, एंड ऑप्शन डी है, बोथ आर बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हियरिंग की बात की जाए, अगर आप क्लास में बैठे हो तो आप बैठ के बस सुन रहे हो चीज़ों को, यहाँ पर क्लास में बैठे हो और सिर्फ सुन रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा, हियरिंग में। अब यहाँ पर लिसनिंग में क्या जाएगा, आप चीज़ों को सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो और उन पर मनन भी कर रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा, लिसनिंग में। तो हियरिंग फिजिकल प्रोसेस हो जाती है हमारी, और लिसनिंग क्या हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हियरिंग क्या है, द प्रोसेस फंक्शन और पावर ऑफ परसीविंग अ साउंड। सिर्फ साउंड का आना, मतलब एक प्रोसेस जिसके थ्रू साउंड आपके पास आ रही है, वो क्या है, हियरिंग है। लेकिन लिसनिंग क्या है, टू हियर समथिंग विद थॉटफुल अटेंशन, पूरी मनन के साथ, चिंतन के साथ आप चीज़ों को जब सुनते हो, समझते हो, उन पर ध्यान देते हो, तो वो लिसनिंग में आ जाता है। ये दो पिक्चर हैं, इनकी हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कौन सा एग्जांपल हियरिंग का है और कौन सा एग्जांपल लिसनिंग का है। तो ये जो बच्चा है क्लास में क्या है, बैठा हुआ बोर हो रहा है लेकिन चीज़ों को बस सुन रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, हियरिंग में। और यहाँ पर क्या है, ये मैडम है और ये सर हैं, सर बोल रहे हैं और मैडम ध्यान से सुन रही हैं चीज़ों को, तो ये किस में आ जाएगा, लिसनिंग में। तो आई होप आपको हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेमोरी डेट रेफर्स टू आवर मेमोरी ऑफ मीनिंगफुल फैक्ट्स रूल्स डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर मेमोरी की बात की गई है, वो मेमोरी जिसमें किसकी बात, फैक्ट्स रूल्स डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो कौन सी मेमोरी है, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी एंड नन ऑफ द अबव। तो बात की जाए, ये एग्जाम्पल है किसका, सिमेंटिक मेमोरी का, ये सिमेंटिक मेमोरी में आता है। सिमेंटिक मेमोरी है क्या, जिसमें क्या है, आर जनरल वर्ल्ड नॉलेज डैट एनकम्पासिस मेमोरी फॉर कॉन्सेप्ट्स फैक्ट्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिम्बलिक यूनिट। आप कुछ भी चीज़ें समझ रहे हो, सीख रहे हो कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स की, तो वो किस में आ जाएगा, सिमेंटिक मेमोरी में। एग्जाम्पल के लिए कोई लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो, मैथ्स वगैरह, तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट समझोगे, फैक्ट्स पढ़ोगे, तो ये सब किस में आ जाएगा, सिमेंटिक मेमोरी में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे योर नॉलेज ऑफ व्हाट अ कार इज, आपने कार देखी है, आप देखकर बता सकते हो कि ये कार है, ये बाइक है या कोई भी चीज़, और इसका इंजन कैसे वर्क करता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिमेंटिक मेमोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ हिज और हर ऑन नॉलेज प्रोसेसेस एंड द वेज इन विच स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इन्हांस इज टर्म्ड एज। ये भी मेमोरी का ही है एग्जाम्पल। तो कौन सी मेमोरी है, सिमेंटिक, एपिसोडिक, प्रोसीजरल या मेटा मेमोरी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के बारे में बात की गई है, इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ हिज और ऑन मेमोरी प्रोसेस, जो अपनी मेमोरी के बारे में क्या करे, बताए कैसे प्रोसेस करती है उसकी मेमोरी, एंड द वेज इन विच स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इन्हांस। कैसे स्टोरेज होती है मेमोरी उसकी, कैसे रिट्रीव करती है,
तो इन सब के बारे में, अपनी ही मेमोरी के बारे में जानना, तो कौन सी मेमोरी है वो आ जाती है मेटा मेमोरी। मेटा मेमोरी की बात की जाए तो ये क्या है, रेफर्स टू एनी जजमेंट डेट इज मेड अबाउट अ मेमोरी। कोई भी जजमेंट जो अपनी मेमोरी के बारे में बनाया जाए वो मेटा मेमोरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, वो बोलता है कि वो चेहरा याद करने में तो क्या है अच्छा है या अच्छी है, लेकिन नाम उसको याद नहीं रह पाते। तो वो क्या है, अपनी ही मेमोरी का एक स्टेटमेंट बना रहा है, अपनी मेमोरी के बारे में बता रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, मेटा मेमोरी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग टू अ लेक्चर इज बेसिकली, एक लेक्चर को सुनना, यहाँ पर हियरिंग नहीं है, यहाँ लिसनिंग है। लिसनिंग टू अ लेक्चर इज बेसिकली इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, इवेल्युएटिव लिसनिंग, एम्फैटिक लिसनिंग या डायनेमिक लिसनिंग। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इवेल्युएटिव लिसनिंग में। आप क्लासरूम में बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, टीचर क्या है या प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा, इवेल्युएटिव लिसनिंग में। यहाँ पर आप इवेल्युएशन भी करोगे, इवेल्युएशन चीज़ों को सुन के फिर उनको समझोगे, ध्यान दोगे, तो ये इवेल्युएटिव लिसनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेसेस इन ऑर्डर। यहाँ पर जो टीचिंग प्रोसेस है उनको ऑर्डर में लगाना है। आप कोई एक टीचर हो सपोज कीजिए, तो आप पहले चीज़ों को कैसे करोगे, तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, इवेल्युएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। तो पहले आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, सबसे पहले टीचिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ाना चाहते हो, और जो चीज पढ़ाना चाहते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर पहले आप क्या करोगे, फॉर्मुलेशन बनाओगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव का, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला क्या आ जाएगा, आप किसी भी चीज का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्टिव बनाओगे। देन इसके बाद क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स बन गया यहाँ पर, देन इसके बाद क्या करोगे, आप चीजों को रिलेट करोगे। जो सपोज कीजिए कोई टॉपिक है, तो उस जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ आप रिलेट करोगे। तो यहाँ पर क्या है, रिलेट करना चीजों को, जो आप पढ़ाने वाले हो उस नॉलेज को और जो आपने पहले कोई नॉलेज गेन की है उनको रिलेट करना। देन थर्ड वन क्या हो जाएगा, फिर आप क्या है, मटेरियल को प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन के बाद क्या करोगे, आप फिर इवेल्युएशन करोगे चीज़ों का, पढ़ाने के बाद चीज़ों को इवेल्युएट भी तो करोगे। अगर किसी को चीज़ें समझ नहीं आई, वो फिर से पूछना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे, री टीचिंग करोगे। तो ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर है, तो लगाइए इनको। फोर्थ वन पहले आएगा, फोर्थ वन किस में है, इसी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहले फोर्थ आएगा, फिर क्या आएगा, रिलेट करना चीज़ों को, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, फिर फर्स्ट आएगा, देन प्रेजेंट करोगे चीज़ों को, फिफ्थ आएगा, देन इवेल्युएट करोगे, एंड देन फाइनली रीटीचिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस। यहाँ पर साइको एनालिसिस के जनक पूछे गए हैं कि फादर कौन है, एरिक एच एरिक्सन, जीन पिगेट, जेरोम एस ब्रूनर या सिगमंड फ्रूइड। तो इस ये फैक्चुअल है, इसमें क्या है, सिगमंड फ्रूइड इसका करेक्ट आंसर होगा। साइको एनालिसिस की बात की जाए, ये कोई थ्योरीज या टेक्निक्स का एक सेट है, जिसमें क्या है, आप जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उन थ्योरीज और टेक्निक्स की हेल्प से क्या है, उन मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करोगे। यही क्या है, साइको एनालिसिस है। और इस डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश किया था 1890s के आसपास किसने, सिगमंड फ्रूइड ने, और उन्होंने इस पर काम किया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज।
कोग्निटिव की बात की जाए तो जब हमने एम पढ़ाए थे उसमें ब्लूम्स पढ़ाए थे, ब्लूम टैक्सोनॉमी, कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर पढ़ाए थे, तो कोग्निटिव में हमने किसकी बात की थी, मेंटल एबिलिटी की बात की थी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात की थी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, एनएल गेज, शिव कुमार मित्रा, बी एफ स्किनर या मैकडोनाल्ड। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल है ये भी ऑप्शन ए, एनएल गेज। लेकिन जो इसके ऑप्शन आए जीन पिगेट, तो वो भी सही हो जाएगा, जीन पिगेट ने भी कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बताया था, तो जीन पिगेट का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्टूडेंट हेल्प्स अ टीचर टू सोल्व द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर इन क्लासरूम ही इज। कोई एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट हेल्प कर रहा है टीचर की किस में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में किसी लेक्चर के दौरान, तो उसको क्या बोला जाएगा स्टूडेंट को, एम्फेटिक लिसनर, इवेलुएटिव लिसनर या रियलिस्टिक लिसनर या नन ऑफ द अबव। तो हमने इवेलुएशन के बारे में बताया था, तो यहाँ पर क्या है, इवेलुएटिव लिसनर हो जाएगा, वो क्या है, चीज़ों को इवेलुएट कर रहा है, समझ रहा है और हेल्प कर रहा है टीचर की, समझ के फिर बता रहा है चीज़ों को, तो वो इवेलुएटिव लिसनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू लोकेट इवेलुएट एंड इफेक्टिवली यूज इंफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेट नोन एज। कोई एबिलिटी लोकेट इवेलुएट और इफेक्टिवली यूज इंफॉर्मेशन की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, हियरिंग या सेलेक्टिव अटेंशन। तो हियरिंग तो होगा नहीं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो सोचना है, तो यहाँ पर क्या, अटेंशन दी जा रही है किसी चीज़ को, सेलेक्टिव अटेंशन दी जा रही है किसी चीज़ों के बारे में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेसेस, सेल्फ मॉनिटर एंड मॉडिफाई वंस लर्निंग स्ट्रेटजीज एज नेसेसरी टर्म्ड एज। तो हमने आपको बताया था किसके बारे में, मेटा कॉग्निशन, मेटा मेमोरी के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, जो अपनी ही मेमोरी के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में मॉनिटर करे, तो वो किस में आ जाएगा, मेटा कॉग्निशन। हमने एग्जांपल भी दिया था कि कोई चेहरा पढ़ ले, याद रख लेता लेकिन नाम याद नहीं रह पाते, उसको अपनी ही मेमोरी के बारे में वो क्या है, बता रहा है, तो ये क्या है, मेटा कॉग्निशन है। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे, यहाँ पर हमारा लेक्चर 9 ख़त्म हो जाता है, अब हम क्या है, लेक्चर 10 कल स्टार्ट करेंगे। तो टाइमिंग लेक्चर की क्या है, 9 AM पर आपको जो ये क्लास है ये मिल जाया करेगी डेली, ऑन डेली बेसिस, तो देखना ना भूलें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।